हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए एक युवक सहित दो महिलाओं को किया गिरफ्तार। तीनों एनसीआर क्षेत्र में लोगों निशाना हनी ट्रैप का शिकार बनाकर कर दुष्कर्म का भय दिखाकर लोगों से मोटी रकम लूटते थे। शाहजहांपुर थाना प्रभारी विक्रम चौधरी ने बताया कि बीते दिनों थाने में रामशरण गुर्जर निवासी कोटपुतली ने मामला दर्ज कराया कि मेरे व्हाट्सएप पर रीना नाम की लड़की व्हाट्सएप के जरिए काफी बार कॉल किया और मेरे को मिलने के लिए बहरोड बुलाया। मैं मेरे स्क्रापियो गाड़ी लेकर बहरोड पहुंचा तो रीना ने मेरे को कहा, तेरे वीडियो बना लिया है, तेरे को अब दुष्कर्म के केस में फंसाऊंगी, या तो मुझे 20,000 रुपये दे। मैं डर गया, मैंने 20,000 रुपये दे दिए। उसके बाद कहा मेरे को अब शाहजहांपुर छोड़कर आज, जिसको छोड़ने गया तो शाहजहांपुर में पहले एक कार लिए खड़े चार जनों ने मुझे जबरदस्ती दूसरी गाड़ी में डालकर मानेसर ले गए और कहा कि तूने रीना के साथ गलत काम किया है, 6,00,000 रुपये की व्यवस्था कर, नहीं तो तेरे ऊपर तेल डालकर आग लगा देंगे। मैंने किसी तरह बहाना बनाकर बाथरूम की, कहीं दो जने में मुझे बाथरूम में ले गए। मैंने बाथरूम में अंदर से बंद कर जोर जोर से आवाज लगाई, तब वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए, जिस पर टीम गठित कर आज हनी ट्रैप मामले में सुनीता पत्नी राजेंद्र निवासी पंजाबी कॉलोनी टपुकड़ा, वरीना शर्मा निवासी कीर्ति नगर सिरसा हरियाणा व मंगत सिख निवासी बहरोज कोठी ततारपुर को गिरफ्तार किया। तीनों ने पुतली बांसूर ततारपुर कोटकासिम धारूहेड़ा स्थानों पर अनेकों लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर लाखों रुपए की राशि ऐठी गई है, जिनको न्यायालय में पेश पिसी पर लिया है, जिनसे और भी वारदात खुलने की संभावना है। अब आपका रिकॉर्ड शुरू। हनी ट्रैप वाला क्या मामला था सब? कल दिनांक 6/3/2021 को रामशरण गुर्जर निवासी बनका कोटपुतली ने रिपोर्ट दी कि सर 2-3 दिन से मेरे पास एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आ रहा था, उस पर मेरे को 5 तारीख को एक लड़की बहरोड पुल के नीचे मिली, जिस जो मेरे साथ एक होटल पर गए, वहाँ खाना खाने के बाद उसने कहा कि मेरे को शाहजहांपुर छोड़ दो। मैं उसको शाहजहांपुर छोड़ने आ रहा था कि पीछे से एक स्कॉर्पियो नंबर RJ02UA8532 आई और मेरे को शाहजहांपुर पुल से उसमें अपहरण करके हरियाणा में ले गए और मेरे से उन लोगों ने 6,00,000 रुपये मांगे तथा रात भर मेरे को इधर उधर घुमाते रहे। सुबह मैं उनसे बड़ी मुश्किल से उनके शिकंजे से निकल कर भाग गया, तो अब मुकदमा दर्ज करवाने के लिए फिर यहाँ पर आया, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दो महिलाएं एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिए गए। महिला एक रीना है जो उसके पास होटल में साथ आई थी, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जो सिरसा की रहने वाली है, दूसरी औरत सुनीता है जो टपुकड़ा की रहने वाली है, और तीसरा है लड़का मंगत सिंह है जो बेरोज थाना ततारपुर का रहने वाला है। इनके खिलाफ पहले भी कोई हनी ट्रैप के ममले हैं? इन्होंने पूछताछ में अभी 3-4 वारदातें और करना कबूल की है और अन्य साथियों के बारे में और अन्य वारदातों के बारे में अभी अनुसंधान जारी है। थैंक यू सर।